दिल्ली कैंट के मेहरम नगर गांव में बने प्राचीन श्री सनातन धर्म मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कई वर्ष पुराना मंदिर उपेक्षा के आंसू बह रहा है, जिसको लेकर गांव के लोगों ने एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया। गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव में कई सालों से एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें हम बरसों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन अब उस मंदिर को एनएसजी वाले हड़पना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एनएसजी वालों के पास इस मंदिर में कोई कागजात नहीं है, लेकिन हमारे गांव का ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे कैंट थाने के एसएचओ ने हमें ये कहकर बुलाया कि बैठकर बात करते हैं और समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन हम लोगों को बुलाकर हमें डरा धमका कर हमसे साइन करवाए और कहा कि आज से आप लोग मंदिर की कोई बात नहीं करेंगे। जब हमारी टीम ने पंचायत का दौरा किया तो क्या कुछ कहा पंचायत में आए हुए लोगों ने, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। आजादी, मैं हर खबर का आपका स्वागत करता हूं, जो आपने गांव महरम नगर वालों का यहां आकर उनका दुख दर्द में भागीदारी बनी और ये पब्लिक तक पहुंचाओगे। मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि गाँव का मंदिर, ये जब से गाँव बसा है, छल कपट के द्वारा, ये एनएसजी के द्वारा जबरदस्ती, ये धींगा बस्ती अगर ये मंदिर को कब्जाना चाहते हैं तो सरकार इस भूल में ना रहे कि सरकार मंदिर पे कब्जा कर लेगी। गांव का एक एक बच्चा अपनी जान देने को तैयार है, मगर मंदिर को कभी गांव से अलग नहीं होने देगा। मंदिर हमेशा गांव की जमीन में, गांव सभा की जमीन में बनता है, और गांव सभा की जब रिक्वायरमेंट में बची थी तो गांव सभा की मंदिर का और तालाब का 3.75 एकड़ जमीन है, और 3.75 एकड़ जमीन वो मंदिर की है और गांव सभा गांव की है, वो जमीन वो ना किसी एनएसजी की है, ना उसको एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि मंदिर हमारा सदियों पुराना है, जब से गाँव बसा है। मंदिर का और हमारा सांस का और जैसे शरीर का नाता है वैसे है, हमारे अंदर तब तक सांस है जब तक हमें, ऐसे ही हमारा मंदिर हम मानते हैं अपना, जब तक हमारा सांस रहेगा, जब तक हम मंदिर को मानते रहेंगे आखिरी सांस तक इस मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।